याद रखना, ताजिया उठाना ये गली वालों की पहचान नहीं है, ये वली वालों की पहचान है। बेशक ताजिया गली वालों की पहचान नहीं, वली वालों की पहचान है। यही सबब है कि आज हिंदुस्तान में जितने सैयद सादात औलिया हैं, 90% जितने सादात औलिया हैं हिंदुस्तान में, सबके दरबार से ताजिया उठता है। बेशक बेशक। और ताजिया किसी ऐसे वैसे ने नहीं उठाया, ताजिया देवा के ताजदार ने उठाया, लखते जिगरे हैदरे करार ने उठाया, नूरे नजरे अहमद मुख्तार ने उठाया, वारिसे अहले बैत अतहार ने उठाया, वारिसे पाक ने ताजिया उठाया भी, बनाया भी, घुमाया भी। नुकसान आज वहाबियत से नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान हमारी खुराफातों से हो रहा है। जी, जी, आज वहाबियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक जमाना था वहाबी मेहनत करते थे, कोनों कोनों में ले जा के छुपके छुपके समझाते थे, अब उनको जरूरत नहीं पड़ रही। पढ़े लिखे नौजवानों के गलों में हाथ डाल के सिर्फ इतना बोलते हैं, देखो साहब ये पंजे उठा रहे हैं, ये ताजिए निकाल रहे हैं, ये ढोल बजा रहे हैं, जरा बताओ क्या यही इस्लाम है? तो एक पढ़े लिखे आदमी के जहन में फौरन ये बात आती है, वाकई इस्लाम नहीं हो सकता। अगर ताजिया निकालना इस्लाम होता तो खुदा की कसम जैनुल आबदीन सबसे पहले ताजिया निकालते। पंजे निकालना अगर इस्लाम होता तो अहले बैत का हर फर्द पंजे निकालता। इमाम जैनुल आबदीन के बारे में तो यह आता है कि पूरी जिंदगी आप रोते रहे, आंखों में गड़े पड़ गए थे, और जब भी पानी उनके सामने पेश किया जाता तो आप पानी नहीं पी पाते थे, कई कई घंटे तक आप रोते रहते थे, प्याला रखा रहता। अल्लाह, अब पूछा जाता है कि आप पानी क्यों नहीं पीते, आपने पानी तलब किया, तो आप फरमाते कि मुझे मेरे बाबा हुसैन की प्यास याद आ जाती। अल्लाह, मुझे अपने भाइयों का प्यासा तड़पना याद आ जाता। अल्लाह अल्लाह। वो इमाम जैनुल आबदीन जो पूरी जिंदगी करबला को याद करते रहे, और हमने करबला के दिन को, 10 आशूरे के दिन को क्या बना दिया? ढोल बजाने का दिन। ये ढोल किसने बजाया था भाई? अहले बैत ने बजाया था कि यजीदियों ने बजाया था? यजीदियों ने। अरे 10 आशूरे को हुसैन पाक के काफले का तो ये हाल था कि सर नेजों पे ले जाके दौड़ा रहे थे, तमाशा बनाया था अहले बैत का इन्होंने, ढोल तो यजीदी बजा रहे थे, और तुमने यजीदियों का काम ले लिया। याद रखिए, ये पंजे की कोई असल नहीं है, हमारे उलमा इससे बरी है, ये जो करते जाहिल लोग हैं इनसे हम बरी जमा। अगर ढोल बजाना, ताजिया निकालना, पंजे निकालना इस्लाम होता तो याद रखो हमारे उलमा के हाथ में पंजे होते, हमारे मदरसों से ताजिए निकलते। तो जब हमारे मदरसों से ताजिए नहीं निकलते, हमारे मदरसों से ढोल नहीं बजता, तो इसका मतलब ये हमारी सुन्नियत नहीं है। और इन वाहबियों से भी कहूंगा कि अवाम की जहालत को हमारे खाते में मत फिट करो, हमसे बात करना है तो किताबों पे बात करो। जी जी, जाहिलों के अमाल की हमारे पास कोई सनद नहीं है, हम उसके कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम अपनी कौम की इस्लाह की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, और मोहब्बत से प्यार से समझाएंगे कि भाइयों ये इस्लाम नहीं है, ये मुहर्रम मनाने का तरीका नहीं है। तो खुदा के वास्ते ढोल बजाने से बचिए, ये यजीद का काम था, ये हुसैनियों का काम नहीं हो सकता। आका ने फरमाया, मैं ढोल तोड़ने के लिए आया हूं, मैं ढोल तबाह करने के लिए आया हूं, ढोल बाजे शैतान की आवाजें। तो 10 मुहर्रम को ढोल नहीं बजाना है, हुसैन पाक के नाम की मजलिसों को मुनक्किद करना है, 10 मुहर्रम को रोजा रखना है, 10 मुहर्रम को लोगों को खिलाना, सदके और खैरात करना है, 10 मुहर्रम को नेक अमाल करना है। हुसैन पाक तो इस्लाम पर कुर्बान हो गए, हमें भी इस्लाम पर कुर्बान होने का जज्बा बेदार करना है। अल्लाह ताला आज की मजलिस